गठबंधन हुआ था तब भी लोग कहते थे कि ये 6 महीने तक चलेगा, बाद में नहीं चलेगा। 25 साल हमने महाराष्ट्र में और देश में ये गठबंधन चलाया है और आगे भी चलेगा। आज आप जैसे कहते हैं कि सीट का बंटवारा कैसे होगा, जैसे मेरे साथी देवेंद्र भाई ने कहा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ये ओरिजिनल गठबंधन है, युति है। बाद में लोकसभा चुनाव में और 4 छोटी-छोटी पार्टियां हमसे जुड़ गई, तो जरूर थोड़ा अकड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है, क्योंकि उनको भी हमें कुछ सीटें देनी पड़ेगी और देनी चाहिए, ये गठबंधन का धर्म है। और उनको सीट देने के बाद शिवसेना भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी जैसे हमेशा की तरह लड़ती आई है, तो इस बारे में कोई चिंता की बात नहीं है। न महाराष्ट्र की और राजनीतिक पार्टी है वो चिंता करती है ज़्यादा, कोई ज़रूरत नहीं है। मीडिया में खबरें आती है चिंता की, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। हम ही हमारा घर का मामला है, हमेशा 25 साल में जब हम एक साथ बैठते हैं तो हम एक 10-15 मिनट में बंटवारा हो जाता है। नहीं, 10-15 मिनट में इसलिए नहीं हो पा रहा है, हम वो लिख कर लाए हैं और उन लोगों से बातचीत करके आए हैं। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन 15 सीट जी हाँ चाहती है, चाहने देखिए हर किसी पार्टी को, हर नेता को अपनी पार्टी का विस्तार करने का। अरे हुजूर आप सुनिए तो, मैंने सीट तो 288 ही रहेगी ना, चुनाव आयोग कोई फैसला भी नहीं ले रहा है कि बढ़ा दें। राष्ट्रीय समाज पार्टी 10 से 12 सीट, आरपीआई 18 10 सीट, इन तीनों को मिला दीजिए तो तकरीबन 36 सीट। शिवसेना 154 से कम के फार्मूले पर आ नहीं रही है, 169 पे पहले लड़ा था, -15 शायद उससे कम नहीं करेंगे। कांग्रेस 144 सीट, वाकई तीनों को मिलाते हैं तो 334 सीट हो रही है। क्या बताइए ना, तकलीफ क्या है उसमें? और तकलीफ है कि 50 लोग कहां से लाएंगे? हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथी है जहां वो लड़ना चाहते, जहां वो जीतेगा वहां वो लड़ेगा। अगर कोई जीतेगा नहीं, उनके पास सीट मांगने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब हम एक साथ बैठते हैं तो हम सोचते कि कौन कहां से जीत जाएगा, उनको सीट मिलेगी। जैसे ये हमारा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का फॉर्मूला है, क्योंकि हम दोनों इस गठबंधन में बड़े भाई हैं और हम सबको संभाल के, हमारी फैमिली है, हमारा संसार मजबूत है, हम एक साथ आगे जाएंगे। बड़े भाई हैं, मान रहे हैं ना? हम दोनों नहीं, दोनों ही बड़े भाई हैं। हाँ, छोटा कौन है? महागठबंधन में हम बड़े भाई हैं, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, इतने सालों से लोकसभा में हम ज्यादा लड़ते तो हम बड़े भाई हो जाते, विधानसभा में ये ज्यादा लड़ते ये बड़े भाई हो जाते, पर बड़े भाई छोटे भाई, देखिए भाई तो है, भाई तो है। नहीं नहीं, एक भाई हम लोगों ने देखा क्या हुआ, इसलिए मुश्किल थी, वहां तो खेल पूरा भाई का ही था, इसीलिए मुश्किल हो जा रही है। भाई बड़ा मुश्किल शब्द हो गया है इस दौर में, राजनीतिक और सियासी तौर पर। लेकिन अभी तक आए नहीं है अभी माणिक राव जी, लेकिन तटकरे साहब हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि वाकई कांग्रेस का विरोध करके ही एनसीपी बनी थी, और हमें याद है चूंकि, और बहुत ज़्यादा सीट आई नहीं थी जिस वक्त सरकार बनी थी 95 में, शिवसेना और 81 सीट हुआ करती थी 95 में शिवसेना की। हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर कांग्रेस से निकलकर एनसीपी नहीं आती तो शिवसेना बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में छा गया होता। आप लोगों ने कांग्रेस तोड़ी और एनसीपी बनाई, ये एक फायदेमंद सौदा था महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। अब ये बताइए, एक ऐसे मोड़ पर राजनीति आकर खड़ी हो गई है जहां कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार, और गांधी परिवार को एक्सेप्ट करने के लिए कांग्रेसी ही तैयार नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली में बहस, यूपी में बहस, बिहार में प्रचार के लिए नहीं, महाराष्ट्र में भी ये वो आएंगे तो उनसे पूछेंगे, लेकिन ये आप लोग के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। गठबंधन की पहचान वाला परिवार कटघरे में है, मुश्किल वाला वक्त है। देखिए, जिनके साथ हमने गठबंधन 15 साल किया है वो मेरे पार्टनर यहाँ पे नहीं है, और शिवसेना बीजेपी के दोनों पार्टनर यहाँ पे आए वो खुलकर बात कर रहे हैं, मुझे खुलकर बात भी करने नहीं आती क्योंकि जब तक माणिक राव ठाकरे यहाँ नहीं आते वो आप ही के ट्रैफिक में फंसे हैं, सरकार आप ही की है, हमें इसमें क्या करना है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक है और दिल्ली में जिधर सरकार है उधर ट्रैफिक नहीं है, अहमदाबाद में ट्रैफिक नहीं है? ट्रैफिक तो दुनिया में सभी जगह पे है, नहीं वहाँ इंजन एक ही हो गया ना, अब कई इंजन है यहाँ पर, पता नहीं किस दिशा में जाए। देखिए, गांधी परिवार कई सालों से कांग्रेस का नेतृत्व करते आया है। एक चुनाव के निकाल के बाद
जब इतना डिबेकल होता है तब उसके बारे में दे कैन डिस्कस इंटरनली इन देयर पार्टी. एज एन एनसीपी आई टू मेक एनी कॉमेंट, मैं कुछ उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर की बात है. हमें कुछ इतराज नहीं है क्योंकि वहाँ का नेतृत्व सोना जी के पास है, राहुल जी वहाँ पे कर रहे हैं. महाराष्ट्र में यदि अभी पृथ्वीराज जी आके गए चीफ मिनिस्टर के नाते, माणिक राव जी आएंगे. कौन से पार्टी का नेतृत्व किसने करना वो तो उनकी पार्टी की बात रहती है. जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे साथी देवेंद्र जी आए हैं, अभी अभी नए नए आके प्रेसिडेंट बने. चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना? बिल्कुल. कि यारी दोस्ती गठबंधन निभाने के लिए जीतने के लिए लड़ रहे हैं? जीतने के भी लड़ रहे हैं, सेकुलरिज्म के लिए भी लड़ रहे हैं, और गठबंधन साथ लेके आगे चलने की हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं. गठबंधन साथ रखना मजबूरी है या जीतना जरूरी है? देखिए वो दोनों आपस में एक मिलजुल की बात ही है. गठबंधन जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा, आपने कई बार उनको पूछा, उनके बारे में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो अलग अलग पार्टी हैं. 25 साल में जैसे कि राउत साहब ने यहाँ पे कहा और देवेंद्र जी ने कहा, आपने सही पूछा सवाल उनको पूछा कि उनकी गठबंधन की घोषणा नोटिफिकेशन होने के बाद भी नहीं हो सकती. जैसे कि 25 साल का पुराना गठबंधन है, हमारा तो 15 साल का है और हम कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी पार्टी स्थापित की है. जैसे कि आपने बराबर बात यहाँ पे कही 99 में हम देख रहे हैं कि आप मंत्री लगातार रहे हैं, कई मंत्रालय आपने संभाले हैं. कैसा रहेगा चुनाव के बाद जब मंत्री आप नहीं रह पाएंगे तो कैसा लगेगा? देखिए अभी भी मैं मंत्री नहीं हूँ. नहीं, मंत्री से मतलब वो सत्ता जब नहीं रहेगी तो कैसा फील होगा आपको? मुझे नहीं लगता है कि हम सत्ते से दूर जाएंगे, हम तो सत्ता पर ही आएंगे महाराष्ट्र में. अगर सत्ता नहीं रहेगी तो क्या काम कर सकते हैं आप? देखिए हमारे पार्टी के नेता पवार साहब कई साल राजनीति में हैं, उनकी राजकीय पूरी करियर में मिनिमम 40% वो सत्ता से बाहर है. उससे कुछ जिक्र नहीं कर रहे हैं जी. आप जब हमारे साथ बैठे हैं हम आपसे इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि आपका नाम भी कुछ घोटालों में आया और इस दौर की सरकार साथ लेकर चल रही है. हमें अक्सर बार बार लगता है एक ऐसा राजनीतिक दल जो बनता है, सत्ता में आ जाता है, घोटाले होते हैं, आरोप लगते हैं, उसमें साबित हो नहीं है वो एक दूर की बात है, सब पे तो आरोप लगते नहीं है, लेकिन ऐसे राजनेता क्या करेंगे जब उनके पास सत्ता नहीं होगी? वो क्या करेंगे? यानी सब कुछ आप सत्ता के लिए ही कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल. हम विचारधारा के ऊपर स्थापित हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है. कौन सी विचारधारा है? यह सेकुलर विचारधारा, भारत की प्रगति. बिल्कुल. सेकुलर का मतलब क्या है? धर्म निरपेक्ष विचारधारा. धर्म निरपेक्षता का मतलब आरक्षण है 16%. देखिए आरक्षण की बात जब स्वतंत्रता आने के बाद ही सहयोगी आ गए. माणिक राव जी आपका स्वागत है, आपका इंतजार हम लोग कर रहे थे, आप यहाँ पर आइए. आइए आइए सर, क्योंकि गठबंधन के दौर में एक शख्स फंस गया, कहीं दूसरा शख्स बैठा है. अजीबोगरीब लग रहा था.